नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रमोट 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 22 मई 2021 आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट को, और कुछ अपडेट हम 23 मई की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर, पीएनपी लेटेस्ट अपडेट के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, डीएलएड छात्रों की प्रमोट मुहिम तेज। देखिए यूपी टेट या सुपर टेट क्या होगा, पहले इसको देखेंगे। और परीक्षा की तैयारी दोस्तों आप लोग तुरंत शुरू कर दीजिए, और तैयारी में दोस्तों आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जो इस बार 2021 में वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, अगर आपको इसमें मौका मिल गया तब तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 2 से 3 साल तक वैकेंसी भूल जाइएगा। जी हाँ, कोई भी बच्चा इतना लंबे समय तक इंतजार नहीं करना चाहेगा। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती के समय भी दोस्तों बहुत से बच्चों ने टेट क्लियर नहीं कर पाए, वो बच्चे आज तक इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। सोचिए दोस्तों, वो वैकेंसी का फॉर्म 2018 में आया था, 69,000 भर्ती दिसंबर के महीने में, ठीक है, जनवरी में पेपर हो गया। तो सोचिए 2019 का साल उन बच्चों का बर्बाद हुआ, 2020 निकल गया, अब 2021 में उनको मौका मिलने जा रहा है। सोचिए 2 साल बीत चुके हैं, तीसरा साल ये लगभग लास्ट में आएगा, तो सोचिए 3 3 साल तक बच्चों ने इंतजार किया। तो ये गलती आपसे ना हो, इसलिए हम आपको पहले बता रहे हैं कि अगर यूपी टेट का फॉर्म आता है तो आप बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। कम से कम दोस्तों आपको ऐसी तैयारी करनी है जनरल के छात्रों को कि 90 नंबर तो यार उनके बन जाए, बाकी आरक्षित वर्गों में ओबीसी एससी या एसटी कैटेगरी के आप छात्र हैं तो आप 82 नंबर। जी हाँ दोस्तों, ये हम आपको पासिंग नंबर बता रहे हैं, कम से कम इतना पाकर आप पास तो हो जाएंगे, बाकी आप एक अच्छा स्कोर करेंगे वो बढ़िया है। सुपर टेट की दोस्तों जो पासिंग मार्क होती है इसको भी जरा सुन लीजिए आप लोग। एस टेट की सुपर टेट में जनरल के छात्रों को 97 नंबर चाहिए होता है पास होने के लिए, बाकी अगर आप ओबीसी एससी या एसटी कैटेगरी के छात्र हैं तो पास होने के लिए आपको 90 नंबर। जी हाँ दोस्तों, जो जनरल में 90 नंबर, ठीक है, यूपी टेट का होता है, तो सुपर टेट में दोस्तों ये 97 हो जाता है, और बाकी अन्य आरक्षित वर्गों में 90 होता है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। यूपी टेट में दोस्तों 82 रहेगा, सुपर टेट में 90, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात आती है कि शिक्षक भर्ती में मौका किन छात्रों को मिलेगा। सिंपल सी बात है गाइस, एक बात और पहले आपको बता दें, उसके बाद देखते हैं शिक्षक भर्ती वाला। यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2021 एक अपडेट आ रही है कि शामली में 200 सहायिका के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है। जी हाँ दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे, अगर आप ठीक आंगनवाड़ी का फॉर्म भरना चाहते हैं, आंगनवाड़ी रिक्तियों को खोजें, तो इस समय दोस्तों कुशीनगर और शामली के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहा है, ठीक है, हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। अगर आप किसी और जिले से आते हैं तो गाइस लिंक को चेक करिए, जैसे ही आपके जिले में आवेदन शुरू हो तुरंत आपको आवेदन करना है। कम से कम 1 से 2 मिनट का अगर आप समय नहीं निकाल सकते, नहीं चेक कर पा रहे, तो फिर ये आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 मिनट आप अपने आप को दे सकते हैं, तुरंत चेक करिएगा। एक और अपडेट आई है गाइस, अपडेट है दोस्तों दिल्ली से, ठीक है, डीयू से। परीक्षा को लेकर डीयू ने जारी किए दिशा निर्देश, 1.5 लाख से अधिक छात्र देंगे परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पेपर होने वाला है, लेकिन दोस्तों पेपर कैसे होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, तो इसको जरा देखेंगे कि आखिर पीएनपी की भी क्या तैयारी है, क्या दोस्तों पीएनपी हमारी परीक्षा करा सकती है। जी हाँ दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह होगा कि पेपर होगा तो ऑनलाइन माध्यम से ही संभव है। जिस हिसाब से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस बार लोगों की जितनी ज्यादा जाने चली गई ना, तो इसलिए लोगों में डर ज्यादा हो गया है। तो गाइस ऑफलाइन पेपर का तो हम सोच भी नहीं सकते फिलहाल में, जब तक हमें वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक दोस्तों कोरोना नहीं खत्म होगा, ये आप मान के चलिएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप वैक्सीन लगवा लें तो बेहतर है। डीएलएड स्कूटनी रिजल्ट 2021, इस पर भी बातें होंगी। तो चलिए पहले इस अपडेट को देखते हैं, क्या दोस्तों अपडेट है डीयू से। दिल्ली विश्वविद्यालय ने केवल स्नातक परास्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा आयोजित करने के लिए जारी दिशा निर्देश में यह स्पष्ट कहा है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ फाइनल ईयर के छात्रों को, ठीक है, कहा है कि दोस्तों छात्रों को परीक्षा के लिए समय की कमी नहीं होगी, उनके परीक्षा के लिए 204 घंटे दिए जाएंगे। यदि पोर्टल सही से कार्य नहीं कर रहा है तो छात्रों को 30 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। यही नहीं दोस्तों, यदि छात्र पोर्टल पर अपनी उत्तर पुस्तिका अपलोड नहीं कर पा रहा है तो उसे मेल भेजने की भी सुविधा है, लेकिन उसे इसका प्रमाण देना होगा कि पोर्टल नहीं चलने के कारण उसने ऐसा किया है। रेगुलर में लगभग 80,000 और, ठीक है, एनसी वेब तथा एसओएल के सभी लगभग 90,000 से अधिक छात्र परीक्षा देंगे। कुल मिलाकर 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थी इस बार अंतिम वर्ष की परीक्षा देंगे। तो गाइस कितना बढ़िया है, ऑनलाइन माध्यम से ओपन बुक के माध्यम से परीक्षा होगी। देखिए डीयू ने, डीयू के डीन एग्जामिनेशन प्रोफेसर डीएस रावत ने कोविड-19 से उपजी स्थिति को देखते हुए एक बार फिर से ओपन बुक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह परीक्षा दोस्तों 2 पालियों में 7 जून से शुरू होने वाली है। पहले दोस्तों यह परीक्षा मई माह में आयोजित होने वाली थी, लेकिन कोविड की बढ़ती स्थिति को देखते हुए इसे जून में टाला गया है।
सोचिए दोस्तों, ओपन बुक परीक्षा अगर ऐसा डीएलएड में भी हो जाए तो कोई बच्चे की बैक ही नहीं आएगी। लेकिन गैस पीएनपी ने अभी तक कोई पोर्टल तक नहीं बनाया, मतलब बिल्कुल हद होता है कि इतनी बड़ी बड़ी लापरवाही हो रही है। यहाँ पर सरकार को बिल्कुल सख्त हो जाना चाहिए था कि भैया इस बार हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, समय से परीक्षा करा लेंगे। गाइस दिक्कत यहाँ पता है क्या है, आपको बता दें। ठीक है, जैसे इस समय सभी छात्र परेशान है कि हमें प्रमोट कर दिया जाए। बच्चे प्रमोट की डिमांड इसलिए कर रहे हैं कि हमारा समय बर्बाद ना हो। जी हाँ दोस्तों, वैल्यू सिर्फ समय की होती है। पैसा आएगा चला जाएगा, लेकिन समय वापस लौट के नहीं आएगा। अब बताइए, आपका 2 साल का कोर्स है, 6 अगस्त को दोस्तों आपका लगभग 2 साल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन क्या तैयारी है पीएनपी की? क्या दोस्त ये किसी भी कीमत पर आपका पेपर 4 सेमेस्टर क्लियर करा लेंगे 6 अगस्त तक? आपको समझ में आ रहा होगा, हो ही नहीं सकता। आज देखिए हमारी तारीख कितनी हो गई है, हो सकता है आप इस वीडियो को 22 या 23 मई को देख रहे होंगे, तो आप अंदाजे लगाइए कि कैसे हो पाएगा ये सब कुछ। ठीक है, मई का महीने लगभग समाप्त है, जून और जुलाई 2 महीने का समय बचेगा। क्या 2 महीने में सब कुछ हो जाएगा? जी हाँ दोस्त, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए भी कम से कम ये 10 दिन का समय लेते हैं। फिर उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होता है, सेंटर बनाया जाता है, लंबा प्रोसेस है गाइस। तो देखिए, अब आपको लगना पड़ेगा, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा डीएलएड तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर और बैक पेपर परीक्षा कराने के लिए। ठीक है, नहीं तो फिर आप वही है, बेरोजगार के बेरोजगार रह जाएंगे, नई भर्ती बार बार आती नहीं है। हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं गाइस क्योंकि फिर आप ही परेशान होंगे, 2-3 साल तक बैठे रहेंगे और घर वालों के ताने सुनेंगे। ठीक है, देखिए अब सवाल यहाँ पर यह है कि सीटेट 2021 का पेपर कब होगा, और दोस्तों यूपी टेट और सुपर टेट क्या होगा पहले? आपको गाइस बता दें कि इस समय सोशल मीडिया पर जिन बच्चों का टेट का पेपर क्लियर हो चुका है, वो बच्चे सुपर टेट की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर दिक्कत ये है कि 2019 बैच के छात्रों ने अभी तक यूपी टेट या सीटेट का पेपर नहीं दिया। 2018 बैच के काफी ऐसे छात्र थे जो फेल थे, जिसके कारण उन्होंने अपना टेट का फॉर्म नहीं भरा। अब बताइए, इतने बच्चे बाहर हो जाएंगे नहीं भर्ती थे अगर सीधे सुपर टेट का फॉर्म आ गया तो। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गाइस ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा हो नहीं सकता, होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। 1894 पदों की वैकेंसी जब आने वाली थी ना, तब भी दोस्त यही बात हो रही थी कि बिना टीईटी पेपर कराए ये वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि दोस्त इस वैकेंसी में यूपी टेट या सी टेट का जो भी आप पेपर देते हैं तो उसका पेपर 2 लगता है। देखिए, कोई भी आप टेट का पेपर फॉर्म भरेंगे तो पेपर 1 और पेपर 2 दो होते हैं। पेपर 1 दोस्तों जो होता है वो क्लास 1 से लेके, ये पेपर 2 करिए यहाँ पर, 1 से लेके 5 तक के लिए, पेपर 2 होता है क्लास 6 से लेके 8 तक के लिए। ठीक है, तो गाइस इन सब बातों को ध्यान में दीजिए, सोशल मीडिया पर जिस भी अभियान से आप जुड़ रहे हैं उसको जरा ध्यान में रखिए। बाकी सरकार से भैया रिक्वेस्ट करिए, चाहे वीडियो को शेयर करके चाहे जैसे हो सके, कि आपकी परीक्षा जल्दी से जल्दी हो सके। ठीक है, नहीं तो अगर परीक्षा हो जाए या प्रमोट कर दे, जो भी कर दे, इनको समय से करें। अगर गाइस आपका पेपर भी टाइम से हो जाएगा तब भी आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि पीएनपी ने कहा था कि हम मई के लास्ट तक आपकी परीक्षा करा लेंगे, लेकिन अब मई का लास्ट आने वाला है, पेपर का कोई भी चांस यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी दोस्तों कि इन्होंने जो यूपी टेट का पेपर 25 जुलाई को होने वाला था उसको स्थगित कर दिया। सोचिए कितना देर में पेपर होने वाला था। क्या इनको सब पता था कि भैया जून में भी कोरोना नहीं खत्म होगा, जुलाई में भी दोस्तों बना रहेगा? अभी देखिए गाइस, इतना दूर का नहीं सोचना चाहिए था। ठीक है, कम से कम ऑनलाइन आवेदन लिया जा सकता था जिससे छात्रों का भला होता। तो आत्मनिर्भर हम ऐसे तो बन नहीं पाएंगे गाइस, तो कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ेगा। तो आप लोग परीक्षा की तैयारी बढ़िया से करिए, क्योंकि अगर लापरवाही करेंगे तो उसका नतीजा सही नहीं निकलेगा। ठीक है, हमने आपको बता दिया कि 69,000 में उस समय देखिए आपका बीटीसी के नाम से डीएलएड होता था। बीटीसी 2015 बैच के बहुत से छात्र आज भी बेरोजगार बैठे हैं। उनको अपने उस गलती का पछतावा आज तक हो रहा है कि काश उस समय वो बच्चे अच्छे से पढ़कर अपना यूपी टेट या सी टेट का पेपर क्लियर कर लेते। लेकिन उस समय सी टेट का पेपर जो हुआ था उसको माना नहीं गया था, सिर्फ दोस्तों यूपी टेट को मान्य किया गया था। तो एक पेपर के चक्कर में बच्चे आज तक बेरोजगार बैठे हैं। तो गाइस ये गलती आपसे ना हो, इसलिए हम इस वीडियो को अभी आपके लिए बना रहे थे। सोचे कि आपको बता दिया जाए, काफी बच्चे इस समय क्या हो रहा है ना कि लॉकडाउन लगा है, कुछ काम तो नहीं रहा, बैठे हैं। तो गाइस टाइम पास मत करिए, ठीक है, एंजॉय करते रहिए, लेकिन हाँ पढ़ाई भी जरूरी है। इस समय दोस्तों आप आराम से 8-8 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं, जो संभव है दोस्तों वही बता रहे, 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे मस्ती करिए, 8 घंटे सो लीजिए और 8 घंटे पढ़ाई करिए, तभी आपकी बढ़िया पढ़ाई हो सकती है। लेकिन 8 घंटे अगर आप पढ़ेंगे तब तो। सीटेट का पेपर कब होगा दोस्तों? देखिए अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन सीटेट की वेबसाइट से नहीं आ रहा, जो कि काफी आश्चर्यजनक बात है। तो सीटेट का भी पेपर दोस्तों लग तो वही रहा है कि नवंबर दिसंबर तक ही खींच दिया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली, दिक्कत तो यहाँ ये भी है। यूपी टेट का भी दोस्तों कोई भरोसा नहीं लग रहा है। जब तक देखिए बच्चे संघर्ष नहीं करेंगे तब तक पेपर अब नहीं हो पाएगा।
प्रमोट की मुहिम तेज है, ये अच्छी बात है। अगर दोस्तों देखिए आपको एक ही आवाज उठानी है कि अगर पेपर कराना है पीएनपी को तो भाई जल्दी से जल्दी करा ले, ठंड का भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे पेपर पास कर लेंगे, तैयारी लगभग सबकी पूरी हो चुकी है। अगर ये समय से आपको प्रमोट ना करें, सोचिए अगर आपका पेपर अगस्त में चला जाए ठंड सेमेस्टर का, तो फिर तो आपका विजय 2021 भी निकल जाएगा ना, फिर आप घर के रहेंगे ना घाट के। क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे जो सोच रहे हैं हमें डीएलएड के बाद कुछ और कोर्स करने हैं, तो वो बच्चे पहली बात तो उस कोर्स में नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो डीएलएड में ही फंसे होंगे। क्योंकि डीएलएड के कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दें, इस बात को ध्यान रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, जब 6 अगस्त को आपका 2 साल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको कॉलेज फिलहाल नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। इस समय दोस्तों बहुत से प्राइवेट कॉलेज हो या डाइट हो, उन्होंने 4 सेमेस्टर की तैयारियां शुरू करा दी हैं, इसलिए कराया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आपको ये सेशन ही 4 सेमेस्टर का अब चल रहा है, ठीक है। तो चलें मिलते हैं एक और वीडियो में गाइस, लेकिन फिलहाल आंगनवाड़ी वाला फॉर्म अगर आपको भरना है उसको देख लीजिएगा, वेबसाइट को चेक करिए। डीयू की तरफ से दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा की अपडेट आ गई है, अब शिक्षक भर्ती में दोस्तों उन्हीं छात्रों को मौका मिलेगा जिनका टेट और डीएलएड का कोर्स कंप्लीट होगा। ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए, फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।